रेलवे एनटीपीसी की भाई जितने भी नर और मादा तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भाई खुशखबरी आ गई है। रेलवे एनटीपीसी की भाई एग्जाम डेट ये समझो आप जारी होगी है, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर विद प्रूफ दिखाऊंगा, सारा का सारा जो भी नोटिस वगैरह वगैरह है, कब आप लोगों का एग्जाम होगा, एग्जाम आपका टीसीएस लेगी या रेलवे जो आरआरबी आपका वो लेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे साथियों का डाउट है। 2025 का कैलेंडर भी रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है और जो साथी पहली बार रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने लगे वो सिलेक्शन कुकर ले सके है, उन सारी चीजों के ऊपर भी आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो अपने पंखों को फैला के आराम से बैठ जाइए, अभी सारी की सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन लेने की नहीं देने की होती है भाई। उससे पहले भाई अगर भाई आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो या रेलवे की भी तैयारी करने लग रहे हो तो भाई दशहरा धमाका ओलिव बोर्ड के ऊपर भाई आपको पता प्रैक्टिस सेट की अपनी एक अलग अहमियत होती है मॉक टेस्ट की, ठीक है। और ओलिव बोर्ड भाई पहली बार आज तक के इतिहास में भाई अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर भाई 60% की छूट लेके आया, आज तक इन्होंने कभी छूट नहीं दी, ये इनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मेगा सुपर इलाइट फेस्टिवल 12 और 13 अक्टूबर के लिए आपकी सेल चलेगी 2 दिन के लिए, ठीक है। जितने भी ऑल इंडिया वन रैंक है आपके 2023 CGL 2022 CGL उन सभी ने ओलिव बोर्ड से तैयारी की हुई है और आपको कोड लगाना कैपिटल अक्षर में FEST, अगर आप ये वाला कोड लगाओगे तभी आपको ये 60% वाला डिस्काउंट इसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। जितने भी SSC रेलवे के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन सभी के ऊपर आपको 60% का डिस्काउंट मिलने लग रहा है, कोर्स नोट्स मॉक्स टाइपिंग टेस्ट वगैरह वगैरह सब चीजों पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकता है, सिर्फ आज और कल के लिए ही सेल है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है। अब देखो भाई सबसे पहले तो ये आपकी एग्जाम डेट है, आप सभी को पता है ये जो लोको पायलट है और ये अगर वगैरह ये तो आ चुकी, साथ में कुछ बच्चों को डाउट था कि जी आपकी ये तो आ चुकी है भाई सब इंस्पेक्टर की डेट तो आ गई रेलवे आरपीएफ की, लेकिन कांस्टेबल की डेट कब है, तो कांस्टेबल की डेट्स भी भाई आपकी जारी हो चुकी हैं, ये फेक नहीं है, ये रियल है, सारी जगह ये चीज फैली थी ना भाई ये तो फेक नहीं है भाई ये रियल है, ठीक है, जांच की गई है इसकी। तो भाई आपकी जो कांस्टेबल की भाई वो 8 जनवरी से परीक्षाएं शुरू है, 8 से 10 जनवरी तक चलेंगी, उसके बाद 15 जनवरी से 17 जनवरी, उसके बाद फिर 27 जनवरी को होगा, ठीक है, उसके बाद आपके 3 मार्च और 7 मार्च भाई इन तारीखों को भाई 3 से 7 मार्च भाई इन तारीखों का आपका कांस्टेबल का एग्जाम होना निश्चित है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग आपके एनटीपीसी की, एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्जाम जिसके अंदर 8000 आपकी 113 वैकेंसियां हैं और जिसके फॉर्म अभी चलने लग रहे हैं आपकी, आप लोगों को पता लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, तो भाई इसकी इसकी जो एग्जाम डेट है अप्रैल 2025 के अंदर भाई का एग्जाम होना निश्चित है इसका, ठीक है। अभी आपका क्या चलने लग रहा है, अक्टूबर चलने लग रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मोटा मोटा 5 महीने का समय है, जिसने आज तक कभी भी तैयारी नहीं की ना वो भी आराम से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है, अगर नीट करके अच्छे से मन लगा के तैयारी करेगा तो, वरना ऐसे पंख फैलाए बैठे रहोगे नर बने, ठीक है, मादा को कोई और नर उड़ा के ले जाएगा, फिर देखते रहना पंख मारते रहना फट फट, अब क्या हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि जो 12th लेवल वाली जो वैकेंसी आपकी जिसकी करीबन 3445 वैकेंसी है, इसकी लास्ट इसका जो आपकी एग्जाम डेट है मई या जून 2025 के अंदर भाई आपका ये मतलब कि करवाया जाएगा एग्जाम, ठीक है, मई या जून 2025 के अंदर। तो भाई इसके हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर देना, ये नोटिस फेक नहीं, मैं फिर से कहने लग रहा हूँ रियल है ये, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी सब इंस्पेक्टर की भी आई थी, ठीक है, वही आपका नोटिस आई, इसी में इसी ने टेक्नीशियन की बता दी, वही सेम टू सेम आई, असिस्टेंट लोको पायलट वाली भी, वही उसके ऑफिसियल वाले के अंदर भी आई, तो ये आपका ओरिजिनल ही है, फेक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे ने भाई आपका देखो तैयारी करने वाला बताऊंगा, टेंशन ना लो, रेलवे ने भाई आपका कैलेंडर भी जारी कर दिया भाई, साल 2025 का कैलेंडर जारी हो चुका है, आप सभी को पता है, ठीक है, हालांकि 2024 वाली भर्तियों की अभी तक परीक्षाएं निपटने नहीं लग रही, लेकिन 2025 का कैलेंडर भी जारी कर दिया, तो इसके अंदर देखो आपके लिए खुशी का ही मौका है ये, ठीक है, आप ये समझो कि अगले साल भी वैकेंसी आएंगी, इस साल तो आनी आनी है, ठीक है, आपकी मतलब कि लगभग तो हो ही चुकी है और अगले साल भी आनी है, ग्रुप डी की भी आनी है अभी तो, ठीक है, तो मौके अब की बार आपके पास बंपर है, एनटीपीसी भी है आपके पास, ग्रुप डी भी है, एसएससी की परीक्षाएं भी हैं, और अब भी अगर आप नौकरी नहीं लग पा रहे ना तो भाई आपकी गलती इसमें खुद की है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने नहीं लग रहे। अब बात करते भाई इसकी तैयारी कैसे करोगे, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी की आपको तैयारी कैसे करनी है, सारी की सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर देखो ध्यान से देख लेना, ठीक है। आप लोगों को पता भाई जो रेलवे एनटीपीसी है इसके अंदर आपके 3 पोर्शन आने हैं, एक आपका जीके का आना है, एक आपका मैथ का आना है आपका, ठीक है, और एक आपका रीजनिंग का आना है, ठीक है, ये 3 पोर्शन आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा आपका जिसके अंदर जो सेक्शन 1 है आपका उसके अंदर ये क्वेश्चन ये पोर्शन आपका आना है, ठीक है।
अब इसके अंदर जो आपके जो जिक्के का मटेरियल है, जिक्के की आपको तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। आप जो फुल बाय फुल का स्कोर कर सकते हो सिर्फ मैथ और रीजनिंग के अंदर कर सकते हो, इनके अंदर आप फुल बाय फुल का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊँ आपको तैयारी कैसे करनी, कौन सी बुक लेनी वगैरह। जिक्के के अंदर आप कभी भी फुल बाय फुल का स्कोर नहीं कर सकते। जिक्के आपको करनी कहाँ से, अपने ही चैनल के ऊपर। जैसे ही आप अपने चैनल के ऊपर आओगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट छपी हुई दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसका क्या नाम है आपका, जीके फॉर ऑल एसएससी डी ट्रिपल एसबी या आरपीएफ एग्जाम 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। जिसके अंदर करीबन आपकी 87 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। वहां पर मैंने जीके का सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है विद ये समझो थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिक्स मसाला करवा के, आई चीज समझ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई अब इसको करेंगे कैसे। साथ में मैंने एक आपकी पीवाईक्यू सीरीज भी करवा रखी है जिसके अंदर 30 क्लास है, ठीक है, उसकी भी आपके इसी के ऊपर है। अब मैंने ये सोचा है कि ये तो है ही है भाई, जिसको अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी हो कर दो। इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि कुछ ही दिनों के अंदर भाई मैं जीके की अलग से, ठीक है, एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर नए सिरे से भाई फिर से ये सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोग कमेंट के अंदर बोलोगे कि हाँ जी करवा दो तो करवा देंगे। मैथ रीजनिंग का मामला है, मैथ रीजनिंग कहां से करें, रीजनिंग के लिए कहीं पे माथा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बुक ले लो जो रीजनिंग स्पेशल है प्रीवियस ईयर की, या कोई आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो लगाते हो, मॉक टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर के जीके प्रश्न आते हैं उनको अटेम्प्ट करके देख लो। सिर्फ जीके रीजनिंग मांगती है सिर्फ प्रैक्टिस, यहां पर आपको कोई किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं। कुछ एक टॉपिक होते हैं जैसे आपके वेन डायग्राम वाले हो गए, घड़ी वाले हो गए, तो उन सवालों को भाई आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो, बहुत सारे टीचर हैं सिखाने वाले। मैथ है, मैथ के लिए भाई आपको टॉपिक वाइज करना पड़ेगा। एसएससी का कोई भी टीचर पकड़ लो, मैथ आपका रेलवे और एसएससी का लगभग सेम होता है, कोई भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं किसी भी टीचर को पकड़ लो मैथ का, ठीक है। वहां से टॉपिक वाइज क्लासेस लगाने शुरू कर दो। जैसे आपने सबसे पहले लगाई सिंपल इंटरेस्ट की क्लास साधारण ब्याज की, ठीक है। एक जैसे मान लो उसके अंदर 4-5 क्लासों के अंदर सिलेबस पूरा होगा आपका, जैसे साधारण ब्याज का 2-3 क्लासों के अंदर आपने पहली क्लास देखी, पहला क्वेश्चन पर आए, वीडियो को पॉज करा, क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट करो। सेकंड क्वेश्चन आप पर आए, ठीक है, वीडियो को पॉज करा, अच्छे से नोट करा, फिर अगले पे चलो। इस तरीके से आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन उतारने, कॉपी के अंदर इस तरीके से नोट्स बनाने। क्यों बनाने हैं, क्योंकि जब आप रिविजन मारोगे तब वहीं से रिविजन हो सकती है, वरना आपकी रिविजन ही नहीं होगी, मुँह बाई घूमते रहना कि कहाँ से क्या पढ़े, आई चीज समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ जैसे मान लो फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया पूरा, फिर कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लो आपकी मैथ की, वहां से सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दो। उसके जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे 100-150% जितने मिलेंगे उनको कंप्लीट कर दो, डेली के 50 कर लो, 3 दिन में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 50 नहीं होते, डेली के 30 कर लो, 40 कर लो, लेकिन पूरे करने हैं। उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप से टॉपिक वाइज चलते रहो भाई, तब जाके सिलेबस पूरा होगा जीके का, आई चीज समझ में, ओ सॉरी इसका मैथ का। तो भाई ये आपको मैंने कंप्लीट सारा डाटा बता दिया भाई कैसे क्या कुछ करना है। उसके अलावा पेपर बताता हूँ, पेपर टीसीएस लेगी या रेलवे लेगी भाई। पेपर भाई आपका अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से भाई टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जा सकता है, टेंडर उठाए गए हैं, टीसीएस ने उसके अंदर योगदान किया है, तो हो सकता है भाई जहां तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि 100 के अंदर से 90% चांस है कि टीसीएस ही आपका एग्जाम लेगी। कोई 10% चांस हो सकते हैं भाई आपका रेलवे ले, बाकी टीसीएस ही लेगी। तो टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के पर्सन हैं आप उन्हीं की तैयारी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। टीसीएस कौन सी एजेंसी, मतलब टीसीएस और कौन से एग्जाम लेते हैं, एसएससी के जितने एग्जाम सारे टीसीएस ही कंडक्ट करवाती है, तो एसएससी की अगर बुक से पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा आपका, आई चीजें समझ में। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सारे थी देनी थी भाई, सारे थी राम राम, धन्यवाद, अलना ले लो, खेच जाओ, तैयारी करते रहो, ठीक है भाई, ओके। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं भाई, ये चीज़ तुम बोलने भूल गया था।